तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास है दो मोबाइल। एक है लंबी रेंज का घोड़ा जो है Redmi Note 9 Pro Max जो काफ़ी टाइम से काफ़ी पॉपुलर है, और सेकंड जो है गाइज ये है Infinix Zero 8i जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। सो गाइज ये वीडियो हम करेंगे टोटल कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 9 Pro Max वर्सेस Infinix Zero 8i। सो गाइज देखेंगे दोनों में से यहाँ पे कौन सा बेटर ऑप्शन है इन द टर्म्स ऑफ द कैमरा। और हाँ गाइज, मुझे थोड़ा इंस्पायर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो गाइज, प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले दोनों का कैमरा सेटअप जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा, 8 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है इन Infinix। अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो गाइस यहाँ पे आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल यहाँ पे वाइड एंगल मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max की, तो यहाँ पे भी क्वाड कैमरा सेटअप है जिसके अंदर यहाँ पे 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और हाँ फ्रंट कैमरा में यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कैमरा यूआई की, तो गाइज काफ़ी सिमिलर है दोनों का यूआई, जहाँ से आप 1x 2x जूम या तो फिर 0.6 यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर स्विच कर सकते हो। दोनों के अंदर गाइज यहाँ पे वीडियो जो है आप 1080 60fps और 4K के अंदर 30fps के ऊपर यहाँ पे शूट कर सकते हो। एक अच्छी बात है यहाँ पे Infinix के अंदर यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो का डेडिकेटेड मोड मिल जाता है, और हाँ काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन दोनों के अंदर कर सकते हो, यानी कि दोनों के अंदर प्रो मोड अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आप जो एस्पेक्ट रेशो है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और हाँ दोनों के अंदर आप यहाँ पे बोके मोड के अंदर वीडियो भी शूट कर सकते हो। सबसे पहले यूनिक फीचर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे Infinix में आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में LED फ्लैशलाइट मिल जाती है, और हाँ यहाँ पे रियर और फ्रंट साइड दोनों के अंदर यहाँ पे आई ऑटो फोकस मिलता है। जी हाँ गाइस, यही आई ऑटो फोकस जो है आपको मिल जाता है Vivo V20, Vivo V20 Pro में। सो ये फीचर भी गाइस आपको यहाँ पे Infinix के अंदर यानी Infinix Zero 8i के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप रियर एज वेल एज फ्रंट कैमरा के अंदर आई ऑटो फोकस कर सकते हो। तो गाइस अभी ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा Redmi Note 9 Pro Max है, और जो ऑडियो और वीडियो की क्लैरिटी है वो आप यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो गाइस अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है Infinix के रियर कैमरा से, और यहाँ पे ऑडियो और वीडियो की क्लैरिटी यहाँ पे कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max कैसी है वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। सो गाइज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फ्रंट कैमरा से फ्रॉम द Infinix Zero 8i। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट आपको मिलेगा। सो गाइज ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, और ये है Redmi Note 9 Pro Max। सो यू कैन जज साइड बाय साइड। सो गाइज अगर बात करें यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन की, तो गाइज I definitely love Infinix। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा और सुपरली यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन मिल जाता है वीडियो मोड के अंदर। Redmi Note 9 Pro Max में गाइज यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया। सो गाइज अगर आप यहाँ पे एक वीडियो के लिए एक मोबाइल सर्च कर रहे हो, तो गाइज दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी स्टेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हम यहाँ पे वॉक थ्रू कर रहे हैं, और उसके अंदर ही गाइज यहाँ पे Redmi Note 9 Pro जो है वो काफ़ी यहाँ पे हिल डुल रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे रनिंग मोड की, तो गाइज आप पूछिए ही मत। सो गाइज यहाँ पे काफ़ी स्टेबल आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है रनिंग मोड के अंदर भी वाया Infinix। अगर बात करें यहाँ पे स्लो मोशन की, तो गाइज डेफिनेटली आई विल गो विथ Infinix। काफ़ी यहाँ पे स्लो यहाँ पे है, और क्रिस्प और क्लियर यहाँ पे एजेस जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। सो Infinix ओवरऑल यहाँ पे वीडियो के अंदर तो गाइज काफ़ी यहाँ पे अहेड है कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max। सो गाइज हमने काफ़ी सारे यहाँ पे फोटो सैंपल लिए हैं, और हर एक कंडीशन में लिए हैं, इंडोर आउटडोर, और हर एक के अंदर यहाँ पे वाटर मार्क जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मेंशन करके रखा है, और कौन से मोड के अंदर यहाँ पे कैप्चर किए हैं गाइज वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो गाइज आप जज कर लीजिए साइड बाय साइड, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको यहाँ पे कौन से मोबाइल का फ़ोटोज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा।
सो गाइज अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द वीडियो, तो गाइज यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारा इन्फिनिक्स 08i, जहाँ गाइज काफ़ी क्रिस्प क्लियर यहाँ पे वीडियो है और गाइज जो स्टेबिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। और हाँ गाइज अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ द फोटोज, तो गाइज डेफिनेटली मैं जाऊँगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ, क्योंकि गाइज इसमें जो कलर आउटपुट है, कलर सेचुरेशन है, वो काफ़ी क्लोज टू रियल लगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने दोनों मोबाइल को यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर किया है। और मोबाइल के अंदर मीन्स अगर आप परचेस करोगे मोबाइल, तो डेफिनेटली आप जो अपने फोटोज़ है वो आपके मोबाइल में ही ज़्यादा देखोगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फोटोज़ है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। जी हाँ गाइज, तो अगर आप कैमरा मोबाइल के अंदर कोई कन्फ्यूज़न है, तो गाइज आप उसे दूर कर दीजिए, आप जा सकते हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ। और हाँ गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।